बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां बुढ़ाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी आपको बता दें, पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 7 तमंचे व 10 बने तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस हथियार खरीदने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने में लगी है। यह सफलता बुढ़ाना कोतवाली पुलिस को मिली है। बुढ़ाना पुलिस ने तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि गन्ने के खेत में असलहे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर बुढ़ाना पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए 7 बने हुए तमंचे, 10 अधबने हुए तमंचे, 10 कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है कि इन्होंने अब तक जो शस्त्र बनाए हैं वो किनको किनको दिए हैं, और उनको भी पकड़ने की और प्रभावी कार्यवाही करने की कार्यवाही की जा रही है। सर, पंचायत चुनाव को देखते हुए आखिरकार इस समय क्यों बनाए जाते हैं? निश्चित रूप से ये शस्त्र यूज़ हो सकते थे, इसकी आशंका है, और इसी आशंका में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। लगातार इस तरह के जो असलहे बनाने की या शराब बनाने की जो भी चीज़ें हैं, अवैध कार्य हैं, उन पर प्रभावी कार्यवाही करके और गिरफ्तारी और बरामदगी की जा रही है। सर, अभियुक्त के कितने दिनों से इस तरह के कार्य लगातार कर रहे हैं? इस विषय में विस्तृत पूछताछ उनसे की जा रही है और जानकारी की जा रही है। आगे भी जो जानकारी होगी उसे आपको अवगत कराया। कितने पकड़े, कितने फरार हैं? एक पकड़ा गया है और एक फरार है।